जब तक तू लक्ष्य देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य भेद नहीं सकता। जब तक तू लक्ष्य देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने तभी तेरे लक्ष्य पे निशाने लगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मीतू बिड़ा सर और मैंने रीट 2018 में प्रथम प्रयास में बिना कोचिंग के इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड अपीयरिंग के साथ प्लस 45 दिन से कम समय में सफलता हासिल की। तो मेरे कई साथियों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने ये वीडियोस डाला। तो मुझे थोड़ी सी शर्म ही आ रही है इस वीडियो को बनाते हुए, कोई खास ऐसी सफलता है नहीं। फिर भी यदि कई भाई बंधु को लगता है कि ये मेरी काम में आए स्ट्रेटेजी, तो अच्छी बात है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है, कुछ मैं मेरे बारे में पहले बता देती हूँ कि मेरी जो बीएससी है वो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से हुई और मैंने जो इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से 3 ईयर्स में एमएससी और बीएड 3 ईयर्स में कंप्लीट करी है। ठीक है, इससे एक साल मेरा बच गया और एक साल बचने की वजह से 2018 में मेरी ये कंप्लीट हुई, उसके साथ ही ये रीट जो है वो मैं एलिजिबल हो गई, अदरवाइज मैं अभी उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होती। ठीक है, तो 2018 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और जुलाई में मेरा रिजल्ट आया, सितंबर में मेरा इधर रीट का रिजल्ट आया। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और मैं इसमें जॉब लग गई। मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें मैं 3-4 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगी कि जैसे बिना कोचिंग, कोई कोचिंग, क्योंकि मैं तो पढ़ रही थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, आप सिस्टम जानते हो, 75% जो अटेंडेंस है वो मस्ट है, यानी कि मस्ट है। ठीक है, बिना कोचिंग प्रयास मेरा पहला ही था क्योंकि एमएससी उससे पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। एमएससी बीएड अपीयरिंग जैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो मैं उस एक सेमेस्टर अभी बचा हुआ है, तो उसके साथ प्लस 45 दिन से कम समय में, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे 11 फरवरी को हमारा पेपर था, लास्ट नाइट को तो मैंने फॉर्म भरा था और 23 दिसंबर के बाद मैंने देखा कि क्या है रीट में। तो 23 दिसंबर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जनवरी में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहा था तो इतनी खास पढ़ाई मेरे से हो नहीं पाई। फेब में 11 फरवरी को मेरा पेपर था तो वो 11 दिन वो पढ़ाई करी मैंने, 10 दिन वो इंटर वेकेशन, 23 से एक वो विंटर सर्दियों की छुट्टियों में 10 दिन वो मिले, तो 11 और 10 21, तो ये दिन जो अच्छे से पढ़ाई करी, जनवरी के महीने में कहीं टाइम मिल गया तो उसमें मैंने पढ़ाई करी। अब आप खुद देख सकते हो कि मैंने 45 दिन है या इससे भी कम टाइम मेरे को मिला। सीओ का जिनको आइडिया है उनको पता है कि वहाँ टाइम नहीं मिलता है, क्लासेस होती है और टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो था मेरी जो एजुकेशन है उसके बारे में। अब मेरी मैं आपको सबसे पहले जैसे बताना चाहूँगी कि मेरी क्या तो स्ट्रेंथ थी उस टाइम और क्या वीकनेसेस रही उस पेपर को लेके, कि मैं दोनों शेयर करना चाहूंगी। आप जैसे मेरी वीकनेसेस है तो आप भी उन वीकनेसेस को हटा दीजिएगा ताकि आपके लिए ये क्या रहे कि वो चीजें आपको गलत जो चीजें थी वो वीकनेसेस थी तो वो आपके आपको नहीं रखना है और आप उसमें अच्छा कर सको। ठीक है, स्ट्रेंथ मेरी ये थी कि मेरा बेसिक क्लियर था। बेसिक क्या होता है कि 10th का यदि आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, आप बेसिक होता है वो आपका अच्छा है तो आप इस रीट एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि इसमें जीके नहीं आती साइंस मैथ वालों को, और जीके आती तो मेरे तो बस की बात भी नहीं होती उस टाइम 2018 में। ठीक है, तो मेरा बेसिक अच्छा था, 10th में मेरे 94.5% थे। ठीक है, परसेंटेज वैसे कोई मायने नहीं रखते हैं पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस बेसिक मेरा अच्छा था। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ना ये मेरी एक स्ट्रेंथ रही, पहली स्ट्रेंथ की बेसिक अच्छा, दूसरी स्ट्रेंथ थी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्योंकि इतने कम टाइम में आप इतनी मोटी गाइड को नहीं पढ़ सकते। प्लस रिवीजन साइकोलॉजी 4 to 5 times, साइकोलॉजी मेरे लिए एक बहुत नया सब्जेक्ट था कि जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बीएड मेरी इंग्लिश मीडियम से हुई, 12th तक मैं हिंदी मीडियम हूँ तो नया तो ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाली इंग्लिश बीएड इतनी समझ आई तो हम और ध्यान भी नहीं देते थे, मैथ्स एमएससी कर रहे थे तो ठीक है। तो साइकोलॉजी मेरे लिए नया सब्जेक्ट था तो मैंने एक बुक खरीदी, पता फर्स्ट रैंक या तो वो गाइड, उससे मैंने वो ली, एक बार पढ़ा मेरे को समझ नहीं आया, मैंने साइकोलॉजी की बुक से ही कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, कुछ शॉर्ट नोट्स मेरी फ्रेंड से मैंने कबाड़े और उन नोट्स के मैंने 4 to 5 times रिविजन किया
और उसके बाद उस एक बार पढ़ने से मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत सारे पेपर सोल्व किए। ये मेरी स्ट्रेंथ रही, पेपर सोल्व किए। साइकोलॉजी ओनली ना, वो सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कई बार टिका देते हैं इधर हमारे भी, ठीक है। तो आपको सीटेट के पेपर सोल्व करने, प्लस आप बोल रहे हो ना गाइड कौन सी खरीदे, तो आप गाइड नहीं, आप पेपर जो पेपर आते हैं पुराने प्रीवियस ईयर के, तो आप उनको खरीद के उनको सोल्व करो, और एक इस वे में करो कि बस एक एग्जाम का माहौल बना लो, और उसमें जैसे 30 क्वेश्चन है, आपको इतना टाइम मिल रहा है, मेरे साइकोलॉजी डिवाइड कर लो कि आप 5 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो जो 3 घंटे मिल रहे हैं, तो वैसा ही माहौल। पर ऐसे ऐसे मत देखो कि ये सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, ऐसे नहीं। पहले 30 क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद आंसर की देखो, और आंसर की से टिक लगाओ कि अच्छा इतने क्वेश्चन, इतने में से मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और जहाँ नहीं आ रहे हैं क्या गलत हो रहा है, गलत कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है। तो मेरे को आइडिया भी इन पेपर सोल्व करने से ही साइकोलॉजी का आइडिया हुआ, और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, शायद 26 के लगभग मेरे इसमें साइकोलॉजी में मार्क्स आए थे, जिनको मैं अच्छे ही मानती हूँ, क्योंकि ऐसी सब्जेक्ट जो मेरे लिए नहीं थी। इसके बाद मैथ्स की बात यदि मैं करूं, तो मैथ्स मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं मैंने तो, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। लेकिन आपके लिए जिन बंधुओं की मैथ्स कमज़ोर है, तो वो 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स सोल्व कर ले, बस 10th से ज़्यादा 11th में तो हायर लेवल की मैथ्स आती है, वो करनी नहीं है। प्लस और भी प्रैक्टिस के लिए आप जैसे कहीं, जैसे RS अग्रवाल है, उसमें अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। और प्लस ये तो मैंने भी पढ़ा, क्योंकि जो क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ, पृष्ठ जो भी है, ये क्षेत्र मिति वाला जो टॉपिक है, इसके फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए अलग से, और एक कॉपी अलग से नोट्स की जो रजिस्टर अलग से बना लीजिए, उसमें वो सारे फॉर्मूला जो आप एग्जाम टाइम में आपको वापस से लर्न करना है। तो ये बिखरे हुए नहीं होने चाहिए नोट्स की, कहीं चीज कहीं कबाड़ी, कहीं फोटो पड़ी है, कहीं PDF पड़ी है मेरे पास, तो ऐसे अलग अलग कबाड़ोगे तो एग्जाम के दिन आप उन सबको रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करोगे तो ही याद रहेगा। वरना एग्जाम में होता क्या है कि 4 ऑप्शन है, 2 काट दिए, तो उसके बाद भी 2 में इतनी टकराव हो जाता है कि ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो लास्ट के टाइम में रिवीजन हर सब्जेक्ट का करके जाना है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, अभी तो लास्ट 10 दिन का तो आपके है नहीं, अभी तो अभी से पढ़ना है। मैथ्स का हो गया। प्लस मैथ्स के टीचिंग मेथड के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जैसे कोई भी एक टीचिंग मेथड की बुक खरीद लो, या जैसे आप वीडियोस देख रहे हो तो जैसे शॉर्ट नोट्स बना लो। प्लस इनसे समझ नहीं आने वाली है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैं बोलूंगी कि आप जैसे सीटेट वगैरह के या प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, आप बहुत सालों के वो ले लो, और बहुत सारे साथ में इतने 500 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, तो आप उनको सोल्व कर लो, तो आपको टीचिंग मेथड से फिर पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस करना है। टीचिंग मेथड वैसे ही समझ आएंगे, ऐसे समझ नहीं आने वाले हैं। फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में मेरी वीकनेसेस में है कि साइंस में मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था कि साइंस तो मैं कर ही लूँगी, तो मैं ज़्यादा साइंस को वरीयता दी नहीं उस टाइम। यदि दे देती तो साइंस में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते, मेरे 7-8 नंबर साइंस के अंदर कट गए थे, क्योंकि मुझे लगा मेरे को तो याद है, मैं तो साइंस से ही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मेमोरेबल चीज़ें होती है फ्रेंड्स, वो हमें याद नहीं रहती। आप चाहे कितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, पर आपको मेमोरेबल चीज़ें यदि पूछेगा एग्जाम में तो याद नहीं रहेगा। एक प्लस एक प्रॉब्लम ये रही कि जैसे कोचिंग में, एक कोचिंग के थे जिन्होंने, मैंने उनकी PDF फाइल देखी आपकी तरह, और कोच हायर लेवल की साइंस दे दी, तो मुझे लगा यार इतनी टफ आ रही है, तो मैंने 11th 12th में से भी टॉपिक छांट लिए, उनमें इतना लेवल का पढ़ने लग गई, तो वो मेरे लिए बहुत गलत रहा, क्योंकि इतनी हाई लेवल की आती नहीं है। आपको क्या करना है, 6th to 10th है साइंस की बुक पढ़नी है, साथ ही कहीं कहीं लोग जैसे लुसेंट है, तो लुसेंट को रिकमेंड करते हैं, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी, लेकिन लुसेंट से वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, सारी लुसेंट नहीं पढ़नी है अपन को, अपन को स्मार्ट वर्क करना है, जितने कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने हैं। और बहुत चीज़ें आप ऐसे मत बनो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ में सब इतना याद नहीं रहता है। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आपको हर चीज़ शॉर्ट में कम से कम मेहनत में कैसे आप अच्छा कर सकते हो, वो करना है स्मार्ट वर्क। यदि मेरा वर्क इतना उस टाइम इतने कम टाइम में मैंने ये करा है, इसका मतलब क्या है, मैंने फालतू चीज़ें नहीं पढ़ी होगी शायद। फालतू चीज़ें पढ़ती तो फिर वो रिवाइज भी नहीं रहती, इतनी मेमोरी नहीं होती है किसी की भी कि वो इतना याद रख ले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइंस के लिए 6th to 10th NCERT बुक पढ़ लो,
प्लस टीचिंग मेथड के लिए आपको क्या करना है, वही कि टीचिंग मेथड्स की है तो कोई जैसे बुक आती है तो बुक खरीद लो, कोई भी सब सेम ही होती है गाइडेंस, नाम कोई सी भी गाइड आप ले लो ठीक है। लेकिन मैं उस पर गाइड पे जोर दे ही नहीं रही, मैं गाइड को बोली नहीं, मैंने नहीं खरीदी ठीक है। आपको पेपर की गाइड जरूर खरीदनी है, वो मैंने खरीदी, पेपर की जो बुक आती है सॉरी पेपर जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें होते हैं या सीटेट के पेपर जो होते हैं वो मैंने खरीदी थी, वो मैंने सोल्व करी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। उससे क्या होगा, आप उस चीज़ को कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस और मैथ्स के लिए हो गया, साइकोलॉजी के लिए तो साइकोलॉजी मैंने कहा कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उन शॉर्ट नोट्स को 4 to 5 times 4 to 5 times मैंने रिवीजन करा, क्योंकि मेरी किसी से समझी हुई नहीं थी, किसी टीचर से, मैंने खुद ने समझी है ठीक है। तो थोड़ा टाइम मेरे को ज़्यादा लगा था साइकोलॉजी, विशेष तौर से मैंने पढ़ी साइकोलॉजी थी उसके लिए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी मेरा जैसे देखो एक चीज मैं दोस्तों आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग यदि अभी भी रेडी नहीं हो, और कई लोग जो अभी 1 महीने बाद तक रेडी सोचेंगे मेरे जैसे, जैसे मैंने 23 दिसंबर के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे मेरे को मैं इतनी डफर मान लो कि मेरे को ये भी नहीं पता कि फर्स्ट लैंग्वेज का सिलेबस अलग है और सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस अलग है। मैंने एक बुक ली थी साइंस सिक्वाल की थी, वो उसमें से सब कुछ ही पढ़ लिया, वैसे बेसिक अच्छा था तो एक बार पढ़ते ही समझ आ गया हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा इतना। लेकिन मेरी इंग्लिश में कमजोरी ये रही थी, मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, उसमें एलिट्रेशन वगैरह पता नहीं ऐसे क्या क्या आते हैं जो मुझे नहीं आते थे, और मेरे इंग्लिश में 18 ही मार्क्स आए थे ठीक है। तो इंग्लिश मेरा वहां पे वो आइडिया होता ना कि ये मेरी सेकंड लैंग्वेज है तो मैं वो पढ़ लेती, वो मैंने चीजें पढ़ी नहीं थी क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं था। तो आप तो बहुत स्मार्ट हो इस चीज में, और आपको नॉलेज इतना सारा नॉलेज है तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो, यदि मैंने कर लिया तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है ठीक है। भीड़ में से आपको निकल के आना है ठीक है। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का सही ज्ञान, देखो मेरी ये वीकनेसेस आप देख लो, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का सही ज्ञान नहीं होना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को लास्ट टाइम में बताया था, जनवरी एंड तक आ गया था, उसके बाद हाँ एग्जाम में मेरे को पता था, मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऐसे नहीं एग्जाम के टाइम भी पता नहीं था। प्लस जैसे इनके पेपर मैंने ज्यादा सोल्व नहीं किए, मैंने साइको पेपर फोकस किया था लेकिन इन सब्जेक्ट्स के इतने पेपर मैंने सोल्व नहीं किए थे। तो आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको सबको सोल्व करना है ठीक है। साइंस में ओवर कॉन्फिडेंस ये मेरी प्रॉब्लम रही, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही, आई होप आपके ज्यादा आपके काम में आए मेरी ये स्ट्रेटेजी, और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस रीट 2020 है, यदि अभी नोटिफिकेशन आएगा तो ये 2020 रही तो उसमें धूमधाम से आप इस एग्जाम को क्रैक करो और एक गवर्नमेंट टीचर बनो। साथ ही मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं वीडियोस भी डालती हूँ, हाँ एक और मैं बताना चाहूंगी कि जो वीडियोस मैं देखती थी कुछ, तो आप वीडियोस ऐसे टाइम पे देखो जैसे मैं खुद मेरे वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मेरे वीडियोस ऐसे टाइम पे देखो जो आप पढ़ने का, जो इस पर आप सो के उठे हो पढ़ने का टाइम होता है क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, तो उस टाइम आप ऐसे नहीं वीडियो चला के बैठ जाओ, उस टाइम बिल्कुल नहीं देखना है। आप ऐसे टाइम पे वीडियोस देखा करो कि जैसे आप कहीं दूर रह रहे हो, रूम में खाना बना रहे हो तो खाना बना रहे हो तो उस टाइम चला दो, या आप जैसे खाना खा लिया अभी नींद नहीं आ रही ऐसे ही लेटे लेटे, उस टाइम पढ़ाई भी नहीं होती तो आप उस टाइम वीडियोस देख सकते हो। तो आप इस ऐसे टाइम को चूज करो जो आप जैसे जहां नहीं पढ़ पा रहे हो तो उस टाइम आप वीडियोस देख लो, साथ ही उस टाइम स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट रख दिए, अब शॉर्ट नोट्स बना लो एक साथ करके उनको, फिर फटाफट से रजिस्टर में नोट्स बना लो। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जैसे वीडियोज है बड़ी कोचिंग्स, हाँ उनका नाम है, और वो 1 घंटे में केवल 15 मिनट्स की या 10 मिनट्स की चीजें वो 1 घंटा ले लेते हैं, नमस्कार गुड मॉर्निंग, मतलब ये बच्चों का नाम लेंगे फिर वो लिखेंगे करेंगे तो उसमें टाइम जाता है। तो आप एक तो वीडियोस, अब जैसे मैं बोलूंगी तो आप ये सोचोगे कि मैं अपने वीडियोस, जो वीडियोस में आपको क्वालिटी लगे, जैसे बड़ी कोचिंग होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वहाँ, कुछ ऐसे टीचर्स मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी पर कुछ ऐसे टीचर्स आके खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, जैसे
उनको ज्यादा नहीं कोई नॉलेज होता, बस टाइम वेस्ट करने की उनके अच्छी उनके पास होती है कि वो टाइम वेस्ट एक घंटा कर देते हैं, वो मैटर 10 मिनट का भी नहीं बताते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग में ये नहीं कि ये फेमस कोचिंग है तो अंधा अनुकरण अपन को नहीं करनी है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। भेड़े जात भेड़े के झुंड तो वो 14 लाख का रहेगा, लेकिन उस 14 लाख में से अपन को 31,000 में आना है। तो 31,000 में कैसे आओगे, वो एक एक घंटा उनको दे 10 मिनट का टाइम वो एक घंटा ले लेते हैं। तो आप उसको सोच समझ कर क्वालिटी वाले वीडियोस देखने होंगे, ठीक है, तो वो आपका टाइम बच जाएगा। साथ ही जैसे एक जो लोग की पीडीएफ भेजो, पीडीएफ रखे इतने सारे मोबाइल में लैपटॉप में, आप पीडीएफ थोड़ी सिलेक्शन कराएगी, आप छोट नोट्स बनाओ। अब जैसे मैं खुद वीडियोस डालती हूँ तो आप मेरे वीडियोस जो होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, ठीक है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा, यदि आपको लगता है, मैं नहीं बोलती कि मेरे वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हो, फिर भी आप देखो, आपको अच्छे लग रहे हो, यदि मेरा कम टाइम में ज्यादा कुछ समझ आपको मिल रहा है, मेरे वीडियोस को देखे। और एक में अब मैं प्रीवियस ईयर, जैसे आप खुद कर लेते हो तो अच्छी बात है, जो खुद कर लेता है सेल्फ स्टडी इज बेटर, लेकिन जिससे खुद से नहीं हो पा रहा है उसके लिए मैं बोलूंगी कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है या क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाले हैं वो हम सोल्व कराएंगे। तो जो खुद कर सकता है उसके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन जो खुद नहीं कर सकता है थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है। कई लोग देखो दिमाग सब में बराबर नहीं होता है, कई लोगों को हेल्प की जरूरत होती है, तो अभी तो बहुत टाइम है आप, तो उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करें साथ के साथ, और उन क्वेश्चंस की सीरीज को आप साथ के साथ सोल्व करें, निश्चित तौर पर आप सफल होगे। और मेरी ओर से आपको आपके भविष्य के लिए इस रीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैं और बोलना चाहूंगी कि जैसे कुछ टॉपिक्स के बारे में या किसी इसी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड में कुछ यदि भूल रही हूँ, कुछ मैं यहाँ नहीं बता पा रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको जैसे किस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है और क्या टॉपिक्स है जो यहाँ छूट गए हैं, आप कमेंट्स में ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स बताइएगा। मैं जरूर एक दूसरा वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें आपके सारे कमेंट्स के आंसर्स होंगे। मेरा वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।